खुद को गलत भी एक सही इंसान ही मान सकता है। औरों की बुराई न देखूं, वो नजर दे मेरे ईश्वर, अपनी ही बुराई को परखने का हुनर दे मेरे ईश्वर। मैंने कहा भगवान से, कैसे करूं तेरी पूजा? भगवान ने कहा, तू खुद भी मुस्कुरा और औरों को मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। किसी व्यक्ति ने एक संत से कहा कि सेवा और दिखावे में क्या अंतर होता है। इस पर उस संत ने बेहद ही खूबसूरत उत्तर दिया कि बिना किसी मतलब के दूसरों की मदद करते वक्त दिल में जो खुशी हो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। प्रभु कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, पर अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। मनुष्य शरीर से उतने पाप नहीं करता जितने मन से करता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मन ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर कोई गलत काम ना हो पाएगा। अगर मन साफ है तो फिर किसी भी तीर्थ स्थान पर जाने की जरूरत ही नहीं। स्नान तन को, ध्यान मन को, दान धन को, योग जीवन को, प्रार्थना आत्मा को, वक्त स्वास्थ्य को, क्षमा रिश्तों को और परोपकार किस्मत को शुद्ध कर देता है। शतरंज का एक नियम बहुत कमाल का है कि चाल कोई भी चलो पर अपना अपनों को मार नहीं सकता। किसी से रूठ कर दरवाजे भले ही बंद कर लीजिए पर एक खिड़की जरूर खुली रखिए, एक गुंजाइश की, एक उम्मीद की, रिश्तों के दोबारा जुड़ने की। हमेशा लगाव रखिए पर बोलिए नहीं, रिश्तों को निभाइए मगर तोलिए नहीं। बहस सिर्फ ये सिद्ध करती है कि कौन सही है, पर बातचीत ये सिद्ध करती है कि क्या सही है। अपनापन, सम्मान, परवाह और थोड़ा सा समय, यही वो दौलत है जो हमारे अपने हमसे चाहते हैं। कुछ बोलने और तोड़ने में तो एक पल लगता है, पर मनाने और बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। जिंदगी समुद्र की तरह गहरी और बड़ी होती है, पर लोग इसकी गहराई और बड़प्पन को जाने बिना किनारों से ही लौट जाते हैं। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए तो सबसे खराब है जो जीवन की आलोचना कर रहे हैं। मन भर के जियो, मन में भर के मत जियो। 25 साल तक हमें ये परवाह ही नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे। 50 साल की उम्र तक हम इसी सोच में जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और 50 साल के बाद हमें पता चलता है कि हमारे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा था। अपनी नेकी को छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है, और दूसरों के गुनाह छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। भले ही बुरा लग जाए ऐसा सत्य जरूर बोलिए, लेकिन जो सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलिए। बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। जो व्यक्ति उत्तम होता है वो परेशानी में सब्र करता है, खुशहाली में दया और दान करता है, और संकट में सहनशीलता अपनाता है। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर हैं, एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ कर देते हैं, और दूसरे वो जो गरीब होकर भी दान करते हैं। लोगों को माफ करना और शांत रहना सीखो। यकीन जानो एक दिन ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी खुद रास्ता देगा। सांस सांस सिमरन करो, सांस व्यर्थ न जाए, न जाने के सांस में अंतिम क्षण आ जाए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।